Suçan sasaydı şu. Maaşı bu koyuyor mazke. Şahitçinin sertifikatının zoru atasan ki. Allah Ta'ala ismen yok ki son kerdar tayin diye. Ve sari nonun ki. Çalo mübarek bohut bohut bıkarı. Pani Sadir Muhterem Cenab-ı Altaf sabız müzeriş. Ki yimtikaran toysi sabdeni yimtihal kalam. Am kalam. और ऐसा सवाल के लिए फातह खानी। अगर सामने आने की बात है तो सच बोलना एक हिम्मत होती है सियासतदान के लिए, और मुझे फ़ख्र है कि मैंने और मेरी जमात ने ये हिम्मत जुटाई। हमने गालियां भी खाई, हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन बहरहाल आज खुश भी हैं कि आज सब ही लोग जो लोगों के सामने आते हैं उन्हें वही बात करनी पड़ती है जो हमने की। अल्लाह के फजल से मैं लोगों को आपके माध्यम से ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि एक ही जमात है जो सच पे मबनी सियासत करती है। कड़वा है सच, बहुत कड़वा है, लेकिन हम सच कहते हैं और आज लोग भी जानते हैं। और मैं, मुझे खुशी है जिस तरीके से अमन अमान जम्मू कश्मीर में लोगों ने समझ लिया है कि हमारे लिए अमन ज़रूरी है। दिल्ली के लिए अमन ज़रूरी नहीं है, अमन का फ़ायदा हमें है। अमन का फ़ायदा शायद दिल्ली को कम है, जितना फ़ायदा हमें है इतना किसी को नहीं है। और आप अमन के फ़ायदे के देख रहे हैं, आज हर तरफ आप टूरिस्ट देख रहे हैं। हर इसी के साथ बाकी चीज़ें मुझे मालूम है, नौजवान यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत कुछ है, सब कुछ इंशाल्लाह दूर। जो बिल्कुल नॉर्मल सी है, अगर नॉर्मल सी नहीं होती, कल जो लीडर बगैर सिक्योरिटी के और बगैर गाड़ियों के चले तो क्या ये पॉसिबल था? अगर नॉर्मल सी नहीं होती, अगर नॉर्मल सी है तो कल बिहारियों पे एक अटैक हुआ तो क्या बदकिस्मती है? शर्मंदा मेरा सर इसीलिए है, शरपसंद अनासिर हैं और हम उन्हीं के लिए तो कहते हैं उनको भी कि इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। क्या बशर्त साहब अपनी पार्टी में ज्वाइन होंगे?